कथा का नाम है कांवड़ शिव महापुराण की कथा। तुम भले कांवड़ लेकर मत जाओ, पर कथा तुमको पूरी की पूरी वैसी ही लगेगी कि सावन के महीने में जैसे कांवड़िया कांवड़ लेके शंकर जी के मंदिर जाते हैं, तुम भी यहाँ आओगे तो तुम्हें कीचड़, पानी, कपड़े गीले हो रहे, कीचड़ में हो रहा है, लतपत हो रहा है, और तब तुम कथा में पहुँचोगे और कथा से वापस जाओगे तो ऐसी थकान होगी जैसे कांवड़ लेकर गए थे और कांवड़ छोड़ कर आ रहे। इसका नाम ही कांवड़ शिव महापुराण की कथा। और इस कथा के माध्यम से हमने कल कथा में जाना त्रिजटा का चरित्र, जिसने राक्षसी होकर भी भगवान शिव का धाम काशी पाया। भगवान शंकर उगड़ी का धाम काशी प्राप्त करा। हमने त्रिजटा का चरित्र कल सुना। हमने नंदनार का चरित्र श्रवण करा, जिसमें वो शिव जी का दर्शन करने जाता है तो पत्थर का, पाषाण का नंदी भी रास्ता छोड़ देता। हमने लंकाधीरपति रावण के इस पावन चरित्र को भी श्रवण किया कि वो शिव की भक्ति को प्राप्त कर लेता। शंकर क्या नहीं दे देते, शिव क्या ना प्रदान कर देते, बस हम सुख की कामना में घर बदल कर देख लेते हैं, हम सुख की कामना में अपनी दुकान बदल कर देख लेते हैं, हम सुख की कामना में अपना व्यापार बदल कर देख लेते हैं, हम सुख की कामना में अपने वस्त्र बदल कर देख लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सुख की कामना में घर बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया, वस्त्र बदल कर देख लिए, दुकान बदल कर देख ली, अब एक बार सुख की कामना के लिए अपना दिल चित्त बदल कर देखना, सुख अपने आप मिल जाएगा। ये मकान नहीं फल रहा, हमने मकान चेंज कर दिया, ये दुकान नहीं फल रही, हमने दुकान चेंज कर दी, ये व्यापार नहीं फल रहा, हमने व्यापार चेंज कर दिया, हम सब कुछ बदल कर देख लिए, तो एक बार अपना मन भी तो बदलो कि आखिर हमारे भीतर ऐसी क्या आसक्ति है, हमारे भीतर ऐसी कौन सी तृष्णा है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा लोभ क्या समा गया है जिसके कारण हम भगवान के पास नहीं जा पाए। जब हमारे भीतर से हमारे चित्त को हम बदलेंगे, हमारे मन को हम बदलेंगे, हमारी बुद्धि को, हमारे चिदानंद को हम बदलेंगे, हमारे मन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करेंगे, भगवान से दुनिया के लोग सब शिकायत करते हैं, पर आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भगवान से एक शिकायत करी हो कि तूने मुझे बुद्धि कम दी है। तुम्हारे यहां कोई मिला हो तो बता देना ऐसा, जिसने कभी भगवान के सामने जाकर कहा हो कि तूने मुझे बुद्धि कम दी है। दुनिया के लोग शिकायत करते हैं भगवान से, तूने मुझे गाड़ी नहीं दी, तूने मुझे बंगला नहीं दिया, तूने मुझे बेटा नहीं दिया, तूने मुझे बेटी नहीं दी, तूने मुझे शादी नहीं करी, मेरी पत्नी नहीं आई, मेरा पति नहीं मिला, मुझे मकान नहीं दिया, मुझे सरकारी नौकरी नहीं दी, मुझे गवर्नमेंट का जॉब नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे जमीन नहीं दी, मुझे जायदाद नहीं दी। दुनिया के लोग भगवान से शिकायत करते हैं कि तूने मुझे ये नहीं दिया। आज तक ऐसा शिकायत करने वाला पूरी दुनिया में नहीं मिला जिसने भगवान से कहा हो कि तूने मुझे बुद्धि कम दी, क्योंकि सब अपने आप को श्रेष्ठ बुद्धि वाला मानते हैं, कोई अपने को बुद्धि में कमजोर नहीं मानता। एक श्रेष्ठता आप में है कि आप अपने आप को बुद्धि में कमजोर नहीं मानते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर भगवान की भक्ति में कमजोर कैसे हो सकते हो, उसके भजन में कमजोर कैसे हो सकते हो, आप उसके अनुमोदन में, उसके निवेदन में, उसकी उसकी श्रद्धा में अपनी कमी कैसे ला सकते हो, उसके विश्वास में अपनी कमी कैसे ला सकते हो। हम अपने भरोसे को प्रबल क्यों नहीं बना पाते। जिस दिन हमारा भरोसा, हम हमारी दृढ़ता परमात्मा के भरोसे पर छोड़ देते हैं, वो कहते हैं ना दो तरह के लोग होते हैं, कोई ईश्वर के लिए, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता। दो तरह के लोग होते हैं, जो एक भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है, और दूसरा वो जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता।
अब दोनों का नाम आप बोलिएगा, पहला कौन व्यक्ति कौन है? दो तरह के लोग हैं, पहला कौन सा जो भगवान के लिए, बोलो जम के बोलो, सब कुछ छोड़ दे। कई लोग कहते हैं हमने घर छोड़ दिया, हमने ये परिवार छोड़ दिया, हमने रिश्ते छोड़ दिए भगवान के लिए, हमने अपना मकान छोड़ दिया भगवान के लिए, हम जंगल में जाकर बैठ गए भगवान के लिए, हमने वानप्रस्थ धारण कर लिया भगवान के लिए, हमने भोजन छोड़ दिया भगवान के लिए, हमने खाना पीना छोड़ दिया भगवान के लिए, हमने सब सुख छोड़ दिया। कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान के लिए ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, और दूसरा वो होता है जो ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है। इसमें सबसे प्रबल कौन सा है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? चलो बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, तिलदाने वरा वाले, बोलो जरा, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? पहला है भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना, और दूसरा है भगवान पर सब कुछ छोड़ देना। अब आपके हिसाब से श्रेष्ठ कौन सा है, पहला कि दूसरा? दूसरा। बस आपके लिए ताली बजा लो कि आज आपने श्रेष्ठता का निर्णय दे दिया, ये आपके लिए है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिए, छोड़ने के बाद भी हम जंगल में जाकर बैठ गए, वन में जाकर बैठ गए, गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए, और उसके बाद भी माँ बैठने के बाद भले तुमने छोड़ दिया, उसके बाद भी तुम्हारा मन घर की याद कर रहा है, परिवार याद आ रहा है, मेरी बहू ना जाने कैसी होगी, मेरा पोता ना जाने कैसा होगा, मेरा बेटा ना जाने कैसा होगा, तो फिर भगवान के लिए तुम छोड़े तो फायदा कौन सा हुआ? हमने पहले भी कथा में कहा, संत बनना सरल, साधु बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, सन्यासी बनना सरल, गंगा जी के घाट पर बैठकर तप करना सरल, नर्मदा जी के तट पर बैठकर भगवान की भक्ति करना सरल, यमुना जी के घाट पर रहकर भजन करना सरल, सरयू के घाट पर बैठकर तप करना सरल, पर सबसे ज्यादा कठिन है घर में रहकर, परिवार में रहकर उनका भरण पोषण करते हुए भगवान का भजन करना, यह कठिन है, यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। हमने कभी नहीं कहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, कथा में आकर बैठ जाओ। हमने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारी दुकान बंद कर दो, कथा में आकर बैठ जाओ। आज तक इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारा परिवार छोड़ दो, कथा में आकर बैठ जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती रही, अपनी नौकरी करो, अपनी चाकरी करो, अपना व्यापार करो, अपना व्यवसाय करो, पर उस व्यापार को, उस व्यवसाय को, उस नौकरी के साथ में इतना सा समय जरूर निकालना कि तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, तुम्हारे मुख से राम नाम कृष्ण नाम निकल जाए, तुम्हारे मुख से भगवान का भजन निकल जाए। क्यों? नौकरी करते, व्यापार करते, तनख्वाह लाते, तुम जितनी कमाई करोगे अपनी बीवी और बच्चों के लिए करोगे, तुम जितना कमाओगे अपने परिवार के लिए कमाओगे, तुम जितनी मेहनत करोगे अपने परिवार के लिए करोगे, अपने परिवार को देने का प्रयास करोगे, और तुमने जो बीमा इकट्ठा करा है, पैसे जोड़ जोड़ कर जो तुमने इकट्ठा करा बीमा, तुम्हारे मरने के बाद भी मिलेगा तो तुम्हारे परिवार को मिलेगा। पर तुम नौकरी करते करते, काम करते करते जो तुमने भजन कर लिया, काम करते करते जो तुमने मंत्र जाप कर लिया, काम करते करते तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, काम करते करते तुम भगवान का भजन कर लिए, तो वो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ में जाने वाला है, अंत समय तक तुम्हारा साथ निभाने वाला है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही, आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी, हमने कहा था जब तुम्हारा व्यापार अच्छा चले ना, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले ना, तो पत्नी के जेवर बनवा दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो थोड़ी जमीन खरीद लो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो थोड़ा बच्चों के लिए अच्छा कर दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो एक दो प्लाट लेकर पटक दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी ये हम जब ये बात बोलते हैं ना, तो कई लोग हमसे नफरत करते हैं कि बताओ, इनको तो कहना चाहिए कि सब छोड़ दो, उल्टा ये कहते हैं और खरीद लो। ये सियोर वाला महाराज तो पगला है पूरा। हमारे लोग विरोधी हो जाते हैं इस चक्कर में कि ये उल्टी कथा भाषा। हमारा निवेदन है, जब तक तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनवाओ, बच्चों की कराओ, अच्छे कपड़े दिलाओ, प्लाट खरीद लो, जमीन खरीद लो, मकान बना लो, चलती हुई नौकरी में, चलते हुए व्यापार में तुम अपने परिवार के लिए सब कुछ करो, पर इतना याद रखना, जैसे चलती हुई नौकरी में जेवर बनाओगे चल जाएगा, चलती हुई नौकरी में, चलते हुए व्यापार में जमीन खरीद लोगे तो पैसा दिल आ जाएगा, उसी तरह इस चलती हुई श्वास में भगवान का भजन कर लोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। चलते चलते चलने दो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना कभी।
चलती नौकरी में दुकान, चलती नौकरी में व्यापार, चलती नौकरी में जमीन जायदाद सब करो तो हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक भगवान का भजन भी करो। शरीर चल रहा है तब तक भगवान का भजन भी करो। शरीर चले तब तक कथा में जाओ, शरीर चले तब तक तीर्थ में जाओ, शरीर चले तब तक भगवान के दरवाजे जाओ। और बहुत याद रखना, दो चीजें स्मरण में रखें, तुम्हारी तुम्हारे घर में चले तब तक सारे दान पुण्य कर लो, और जब तक शरीर चले तब तक कथा सुन लो। तब तक तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, शरीर चले तब तक इस शरीर का सदुपयोग करो, शरीर चले इस शरीर का सदुपयोग करिए, इस शरीर को गलत जगह पर मत भेजो, इस शरीर को गलत व्यसन में मत ले जाओ, इस शरीर को गलत जगह पर लेकर मत जाओ। कहां मदिरा पान में, कहां मांसाहार में, कहां वेश्यावृत्ति में, कहां जुए में, कहां चरस में, कहां अफीम में, कहां गांजे में, कहां इस शरीर को लेकर जा रहे हो, कहां इस शरीर को पहुंचा रहे हो। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को और इस हेलो जिंदगी रायपुर पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने एक पहल कर रखी है नशा मुक्ति के लिए, नशे की रोक के लिए। प्रेरणा देते हैं ये, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि केवल छत्तीसगढ़ रायपुर की पुलिस को देखकर पूरे भारत देश की पुलिस को ही अपनाना चाहिए कि पुलिस का कर्म करते करते भी एक नशा मुक्ति का एक अलग लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, जिससे भारत की भूमि की माताएं स्वतंत्र रूप से आनंद के साथ अपने घर में रह सके। हम अपने शरीर को कहां ले जा रहे हैं, हम अपने शरीर को किस जगह लेकर जा रहे हैं, हम अपने शरीर को किस स्थान पर लेकर जा रहे हैं। और केवल ये छत्तीसगढ़ पुलिस का फर्ज नहीं, रायपुर पुलिस का फर्ज नहीं, आपका भी फर्ज है कि आप व्यसन करने वालों को रोक सकते हैं और उनको सतमार्ग की ओर लेकर जा सकते हैं, ये अपना भी फर्ज है। एक बार रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पुलिस प्रशासन के लिए, जिन्होंने हेलो जिंदगी का एक आनंद लेते हुए संपूर्ण क्षेत्र में अपने नशा से लोगों को दूर करने का प्रयास किया है, दूर करते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत। साधुता रखिए, अपने चित्त को बदलने का प्रयास करिए, अपने मन को बदलने का प्रयास करिए, अपने भाव को बदलने का प्रयास करिए। ये नहीं कि हम संत बन गए, साधु बन गए, तपस्वी बन गए, साधक बन गए, उपासक बन गए, फिर वही वाली बात आ गई कि दो तरह के व्यक्ति हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक ईश्वर के लिए भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और दूसरा वो होता है जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता। तो हम चाहते हैं आप अपना घर ना छोड़िए, आप अपना परिवार ना छोड़िए, आप अपने व्यापार दुकान नौकरी को मत छोड़िए, आप तो उसमें रहिए पर अपने आप को ही नहीं अपने पूरे परिवार को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए कि वो संभालेगा, जो होगा वो करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे तुम्हें, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अपना संपूर्ण भार, अपना संपूर्ण जीवन हम उसको सौंप लें। अपने संपूर्ण जीवन को हम परमात्मा पर सौंप दें। आप लोग जब यहां आ रही होगे ना, जितने लोग यहां आ रहे होंगे तो आपके घर के लोग कर रहे होंगे, इतना पानी गिर रहा है घर में, सुन लो ना, क्या करोगे वहां कीचड़ में जाके, अकल वकल नहीं है क्या तुम्हें, समझ नहीं पड़ती क्या तुमको। इतने में यह चोटी करती करती उसको घूर के देखी और वो बोल ही रहा है, क्या करोगी जाके, इतना पानी गिर रहा है, इतना कीचड़ हो रहा है। और वो चोटी करती करती फिर उसने पल्लू पे लिया, पेंसिल से लाइन खींची और डब्बा भर के और बिंदी लगा के रुमाल उमाल उठा के, रुमाल में थोड़ी सी सुपारी रख के, सुपारी रख के इसलिए लाई कहीं बोर होंगी तो मुंह में खतर, सुपारी दख के और फिर चली।
अब इसने अपने मना करने वाले बेटे से और परिवार वाले से, चल मेरे को छोड़ के आ, हम नहीं जाए, पानी गिर रहा है, चल अच्छा 500 रुपए दे, 500 रुपए काहे के लिए, अब तू छोड़ने नहीं जा रहा तो मैं गाड़ी से जाऊंगी। इतने में बोला चलो मैं छोड़ देता हूं, और फिर छोड़ के फिर बोला इतना कीचड़ हो रहा है माँ, कहाँ जा रही, इतनी कीचड़ कीचड़ हो रहा है, तू जा अब मैं चली जाऊंगी, तू जा। आ रही थी फिर माँ रस्ते में, जहां उतारा माँ दो तीन इसकी बेस्ट फ्रेंड मिल गई। अब फ्रेंड तो थी नहीं, बस कथा में आती थी तो पहचान होगी, कथा की पहचान कोई कम होती है क्या है? एक बात बताएं आपको, ये जब अपने प्राण छूटे ना, प्राण छूटने के बाद जब अपन लोग ऊपर जाएंगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना, घर के लोग भले तुमको माँ मिले कि नहीं मिले पता नहीं, पर शंकर जी के मंदिर में तुम जो एक साथ जल चढ़ाती हो ना, ये सब वहीं पर मिलेंगे, एक जगह इकट्ठे हो, और वहां पर भी तुम चिल्ला चिल्ला के कहते बोल बम का नारा है, अब वहां पर भी तुम चुप नहीं रहना, और इतना भजन गाना ढोलक पीट पीट के मंजीरा बजा बजा के, तो पार्वती जी भी टेंशन में आ जाएगी, कहां से पकड़ ला इनको। तो भोलेनाथ जी कहेंगे कहीं नहीं, वो तिलदा नेवरा की है, तो इसको तिलदा नेवरा में क्यों नहीं छोड़िया है? कथा सुन सुन के आदत हो गई, कहीं रायपुर की सुन ली, भिलाई की सुन ली, भाटापारा की सुन ली, यहाँ की सुन ली, और अभी बचा कुचा है सावन में बालोद की सुन लेगी। अभी बचा कुचा है तो बालोद की सुन लेगी। महाराज भजन का जो बल है वो सबसे प्रबल बल है, भजन के बल के आगे सारा बल फीका। मछली को बल मिलता है पानी में, मछली को पानी से बाहर निकाल लो उसको बल मिलना बंद हो जाएगा। मछली को पानी में से बाहर निकालो उसको बल मिलना खत्म हो जाए। मछली को बल मिलता है पानी में, शेर को बल मिलता है वन में जंगल में। शेर अगर शहर में आ जाए तो उसको बल नहीं मिलेगा, शेर अगर वन में है तो उसको बल मिलेगा, मछली जल में है तो उसको बल मिलेगा, और भक्त शिव की शरण में है तो उसको बल मिलेगा, ये निश्चित है। मछली को बल मिलता है, शिवाय ॐ नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम
शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 दो बहुएं आए उसके पहले पेटी पत्थरों से भर लो।
बताना मत ही बहुओं को, बोलने की जरूरत नहीं है बहुओं को कि इसमें पत्थर भरा है, इसमें कुछ भरा हुआ है। बस दिवाली का समय आए, बहुओं से कहना थोड़ा पेटी हटाना, मेरे को सफाई करना है। बहुएं पेटी हटाएंगी, सफाई कर देना, बहुओं को भी लगेगा कुछ है। मरती मर जाना, पर बहुओं के सामने कभी पेटी मत खोलना, कभी मत खोलो। अंतिम समय आए, यम के दूत तुम्हें बंदी बनाने आए, तुम्हें लगने लगे कि मैं मर रही हूं, तो मरते मरते घर की बहू को बुलाकर एक किसी भी बहू को, बड़ी हो छोटी हो, किसी के हाथ में चाबी दे जाना, बेटा सब बांट लेना हो, अब मैं चली। बहुओं इतनी समझदार हैं, 13 दिन पेटी नहीं खोलेगी, क्योंकि घर में नंदे आई हुई है, हिस्सा देना पड़ेगा तो पेटी छुपा देगी। बहुओं इतनी जल्दी पेटी को खोलेंगी नहीं, छुपा देंगी। अब बहुओं को मालूम है सास के पास बहुत सामान है, तो 10वां भी अच्छा करेगी, 12वां भी अच्छा करेगी, खूब साड़ी बांटेगी, 12-13 खिलाएगी पिलाएगी, लड्डू गुलाब जामुन इमरता भजिया, सारे ब्राह्मणों का भोजन कराएगी, मेहमान को भी खूब देगी। और सांप चले गए और ननन भी चली गई, तब बहुएं पेटी खोलेंगी और उनमें से भाटा निकलेगा और करम फोड़ेंगी। अपने को टेंशन नहीं, अपन तो गए, अपना काम हो गया ना। ब्रह्मा जी जैसी गलती मत कर देना कि पूरे बार एक साथ दे दिया, आयुष्मान भाव, चिरंजीवी भव, यशवान भाव, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, ऐसी गलती मत कर देना, थोड़ा ना थोड़ा अपना बुढ़ापा निकालने के लिए कमर में खोस के रखो, थोड़ा ना थोड़ा। एकदम ब्रह्मा जी ने सब दे दिया, सब ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा जी ने सब प्रदान कर दिया, सिंदूर गया। सिंदूर ने विचार करा कि मैं, मेरे को इतना सारा वर मिला, एकाद वर ऐसा मिला है कि अपनी भुजाओं में मैं सब कुछ दमोच सकता हूँ, तो मैं जरा अपनी भुजाओं के बल को ब्रह्मा जी से ही तो शुरुआत करके देखूँ। जिस ब्रह्मा जी ने वर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने अपना सब कुछ सिंदूर को दे दिया था, वो सिंदूर, वो उस बल को, उस बल को ब्रह्मा जी के सामने पहुँच कर, ब्रह्मा जी के सम्मुख में पहुँच कर वापिस आया ब्रह्मा के पास में। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा कर देखा कि आखिर बात क्या है। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मुझे ही दबाने के लिए आया है, फिर भी ब्रह्मा जी ने सामने आए सिंदूर से पूछा, बेटा सिंदूर क्या बात है। सिंदूर बोले, पिताजी बस मेरे मन में एक बात है, आपने जो वर दिया है ना, उसको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूं, मेरे भुजाओं में बल है कि नहीं, तो मैं आपको दबा कर देखना चाहता हूं। इतने में ब्रह्मा जी ने सिंदूर को समझाया, सिंदूर समझ नहीं पाया, नहीं समझे, ब्रह्मा जी भाग कर भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए, मुझे बचाने का प्रयास करिए प्रभु, मुझे बचाने का प्रयास। प्रभु मुझे बचाइए। भगवान नारायण ने देखा क्या बात है, सिंदूर आ रहा है, वो मुझे दबाना चाहता है, वर दिया है मैंने। भगवान नारायण ने देखा कि सिंदूर दौड़ता दौड़ता वहां आ गया। भगवान विष्णु ने सिंदूर को देखा और सिंदूर को देखकर भगवान विष्णु ने उसी समय पर समझाने का प्रयास करा, सिंदूर ये तुम्हारे पिता है और तुम इसे दबाना चाहते हो। सिंदूर कहते हैं मैं उनको नहीं दबाऊंगा, आपको दबा के देख लेता, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, कहीं पर भी करूं। नारायण को दबाने के लिए सिंदूर आए तो नारायण ने सिंदूर को समझाने का प्रयास करा। सिंदूर ने कहा अगर तुम मुझे दबाना चाहते हो तो मुझसे प्रबल तो देवाधिदेव महादेव हैं, जाओ उनको दबाकर बता दो। सिंदूर ने कहा यदि मेरी भुजा में इतना बल है तो देवाधिदेव महादेव कहां रहते हैं, कैलाश पर, मृत्यु लोक में। सिंदूर आ गया कैलाश पर, मृत्यु लोक पर, भूमि पर, मृत्यु लोक की धरा पर, यह पृथ्वी पर, कैलाश पर आया सिंदूर। सिंदूर जैसे ही कैलाश पर आया, आते से सामने से मां के केश खुले हुए थे, पार्वती जी के केश खुले हुए, मां बड़ी सुंदर, मस्तक पर बिंदी कुंकू की लगी हुई है, रौली की बिंदी है मां के मस्तक पर, नैनों में सुरमा है मां के, लाली होठों पर लगी है मां के, केश खुले हुए हैं मां के। जो सिंदूर ने माता पार्वती जी का दर्शन किया, जो सिंदूर ने माँ जगत जननी का दर्शन किया, बस भोलेनाथ जी के पास तो बाद में गया, पहले माता पार्वती जी का हाथ पकड़कर खींच कर अपने साथ ले जाने लगा। जगत जननी के शब्द की गूंज पड़ी, शब्द की गूंज, नारी जब चीखती है, नारी जब चीखती है, उसकी चीख सुनकर
जो उसका साथ दे देता है, परमात्मा भी उसको वर दे देता है, परमात्मा भी वर दे देता है। दो लोगों ने चीख सुनी थी नारी की, एक चीख माता सीता का जब हरण हुआ तो माता जानकी जी चीख दी, रावण जब खींच कर ले जाने लगा, जानकी जी चीखी, जटायु ने सुना, सुनते से जटायु ने आकर रावण के साथ में युद्ध किया, सीता को बचाने का प्रयास किया, चीख सुनकर सीता को बचाने का प्रयास किया, भले जटायु खुद मर गया पर राम जी की गोद उस जटायु को मिल गई, क्योंकि सीता की चीख सुनकर उसको बचाने का प्रयास करा। और दूसरी चीख थी द्रौपदी की, द्रौपदी चीख रही है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, और भीष्म पितामह उस सभा में बैठे रहे, उठकर खड़े नहीं हुए। एक चीख पक्षी ने सुनी तो राम की गोद मिल गई मरते समय, और एक चीख भीष्म पितामह ने सुनी जो उठकर बचा ना सके तो बाणों की सैया पर पड़े रहे और अपने प्राण मृत्यु के लिए मांगते रहे कि मैं मर जाऊं ऐसी कृपा कर दो, मैं मर जाऊं ऐसी कृपा कर दो। बाणों की सैया पर पड़े थे क्योंकि नारी की चीख सुनकर उसका साथ नहीं दे सके थे। नारी की चीख सुनकर उसका साथ ना दे सके, अरे कितनी विडंबना होती है। जरा जरा सी बेटियों के साथ में गलत काम होता है, बेटियों का कत्ल कर देते हैं, बेटियों को मार डालते हैं, जरा से प्रेम के जाल में फंसाकर उन बेटियों को कहीं चक्कू से कहीं पत्थर से उनको मार देते हैं, और वहां लोग खड़े हुए देख रहे हैं, ढेर लगा हुआ है लोगों का खड़े हुए का, और बेटी चीख रही है उसको पत्थर से मारा जा रहा है, उसको चाकू से गोपा जा रहा है, और तुम देख रहे हो। मेरा संपूर्ण बेटियों से निवेदन है, सबसे पहले तो अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के किसी लड़के की ओर आंख उठाकर भी मत देखना। अपने सनातन धर्म के ओर देखिए, सनातन धर्म में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, पर दूसरे की ओर निगाह उठाकर मत देखिए। और याद रखो, अगर भूलवश तुम उस ओर चले भी गई हो ना, तो निवेदन है शंकर जी से, प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि जल्दी ठीक हो और तुम वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रण्य हो, वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रण्यता हो। कहां सीता जी चीखी तो जटायु ने बचाया तो राम जी की गोद मिली, द्रौपदी चीखी भीष्म पितामह उठकर खड़े नहीं हुए, चीख को सुनकर भी उसको नहीं बचा पाए तो मरे, तो बाणों की सैया पर पड़े रहे, बाणों की सैया पर पड़े हैं। देवता देखकर कर रहे गजब, भीष्म पितामह तुम तो भगवान का भजन करने वाले, बाणों की सैया पर पड़े हो क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, ये कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुम्हें खुद भोगना है, दूसरा नहीं भोग सकता। अच्छे कर्म करिए, आप अपना कर्म अच्छा करोगे आप अपने कर्म का भोग भोगोगे। सियोर वाला महाराज अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको भोग भोगना है, आप बेकार कर्म करोगे तो आपको भोगना है, हम बेकार कर्म करेंगे तो हमें भोगना है। कर्म की गति प्रत्येक को भोगना पड़ती है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा महाराज, भोगना अपने को पड़ेगा। पार्वती मैया ने हाथ पकड़ा सिंदूर ने, मां जगत जननी जगदम्बा का, जगत धात्री दुर्गा का हाथ पकड़कर जब खींच कर ले जाने लगा, मां चीख पड़ी, पार्वती मां चीखी। इस कथा को सुनकर एक व्यक्ति ने मैसेज करा था एक बार पहले, और कहा था कि पार्वती जी तो दुर्गा जी थी तो फिर सिंदूर को मार सकती थी, फिर दुर्गा जी उस समय पर क्यों चीखी, उनको तो मार देना था। पत्नी के, स्त्री के, नारी के कई रूप होते हैं, जब पति के साथ में नारी रहती है तो पूरी जवाबदारी पति की होती है। अकेली मार्केट में अगर सब्जी खरीदने और कपड़े खरीदने गई है तो वो अपनी दमदारी पर जाती है, तब दिखा सकती है कि देवी क्या होती है। बच्चा भी ऐसा ही होता है, बच्चे की आदत होती है, अकेला बच्चा कहीं से गिर गया ना तुरंत कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है, और बच्चा अगर माँ के साथ चल रहा है और गिर गया ना तो 25 बार रोता रहता है, लग गई लग गई लग गई, क्योंकि जब तक माँ उसको ना संभाले, जब तक माँ उसको प्रेम ना करे, जब तक माँ उसको गले से ना लगाए, जब तक माँ उससे लाड़ ना लड़ाए, जब तक माँ उसको एक टॉफी ना दे दे, तब तक वो रोता ही रहेगा भले उसको ना लगी है। बच्चे की आदत होती है, बच्चा माँ है तो बड़ी सी टेबल पे से कूद जाएगा,
माँ है तो कहीं से भी कूद जाएगा, क्योंकि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी। ऐसी पत्नी, ऐसी नारी, ऐसी स्त्री होती है जो पति के साथ रहे, पति के साथ बैठी है, पति के सम्मुख में है, तो नारी सोचती है मैं क्यों जवाब दूं। जवाब दे ये, हाँ अपनी बहन के साथ जा रही है, बच्चों को लेकर जा रही है इस कपड़े दिलाने के लिए, और फिर कहीं का कुछ बोल दे, फिर तो तेरे भक्त जनों पे माता वीर पड़ी है हरे, और दानव दल पे टूट पड़ी करके सवारी। इतने में फिर कहीं का ना किसी ने कुछ बोल दिया, तो ये ए इधर आ रे, इधर आ, तेरे घर में माँ बेटी नहीं है क्या जो मुझे घूर कर देख रहा है? ऐसा दिया ना छठी का दूध याद दिला दूंगी। बस अकेली थी इसलिए दम था, पति के साथ थी तो पति प्रबलता में दिखे। तो माता पार्वती जी चाहती तो उसको मार देती सिंदूर को, कब का, पर मां ने मारा नहीं है, क्योंकि माता पार्वती को यह मालूम है कि सिंदूर जब अपने ब्रह्मा पिता को दबाने के लिए गया था तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था कि मेरा बेटा होकर मुझे दबाने आया है, सिंदूर तू मुझे दबाने आया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी मृत्यु होगी तो पार्वती के पुत्र गणेश के द्वारा होगी। ये उसे बर मिला था। तो पार्वती जी को मालूम है कि फालतू में अपनी एनर्जी खत्म करने से कोई मतलब नहीं है, मरेगा तो मेरी औलाद से ही मरेगा, तो काय को फालतू का टेंशन ले अपन। रोज रोज फोन लगाकर कहती हो साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा, रोज रोज ये एनर्जी खत्म करने से मतलब एक दिन सवेरे उठो और उसके घर जाके सोफे पे बैठ जा, आओ काका जी चाय लाओ, काका जी, काका जी कहे आप यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, वो तुम्हें जो दिया था वो भूल गए थे, मेरे पति रोज रो रहे हैं, तकलीफ में है, देकर गलती नहीं करी है, कब दोगे तारीख बताओ, अभी की अभी, एक मोबाइल साथ में ले जाओ, रिकॉर्ड करके लाओ कि इतनी तारीख को दूंगा, अब नहीं मिला तो जगत जननी चंद्रघंटा बन के फिर आ जाएगी, अभी तक जान लिया दे। पार्वती जी सिंदूर को मार सकती थी, नहीं मेरा पुत्र मारेगा, मेरा बेटा मारेगा, रुको हाथ पकड़ा, चीखी मां, आवाज लगाया, शिवजी को क्रोध आया, शंकर भगवान दौड़ कर आए, और शिवजी दौड़ कर आकर तुरंत त्रिशूल उठाकर सिंदूर की छाती पर दिया, पर वर था कि मरेगा पुत्र के द्वारा, शिव नहीं मार सकते, छाती पर दिया, लात मारी, दूर जाकर फिकाया। सिंदूर को लगा मेरा बल कम हो गया, यह कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने कहा था वो देव अधिदेव महादेव हैं, उसके सामने लोगों का बल कम हो गया। बस सिंदूर ने सोचा युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है, पार्वती जी का हाथ छोड़ा, सिंदूर चला गया। समय आया, माता पार्वती जी स्नान करने गई, तन पर उपटन लगाया, उपटन किस चीज का था? चंदन का उपटन पार्वती जी ने लगाया था, अबीर गुलाल का उपटन पार्वती जी ने लगाया था ना, शिव महापुराण कहती है पार्वती जी ने गोबर का उपटन लगाया था, इसलिए शरीर में से जब गोबर को निकाला गया था तो एक गणेश जी बने थे जिनका नाम था गोबर गणेश, गोबर गणेश। आज भी विवाह में, शादी में, बड़े कार्यक्रम में पीतल की मूर्ति नहीं रखी जाती है, आपके छत्तीसगढ़ में रखते हो तो बात दूसरी है, पर हमारे यहाँ तो आज भी शादियों में, बड़े बड़े फंक्शन में, मंडप के नीचे, कहीं विशेष फंक्शन में काय के गणेश जी बनते हैं, जम के बोलो जरा, गोबर के गणेश, मट्टी के गणेश, गोबर के गणेश बनकर बिठा दो, आज भी, आज गोबर गणेश, गणेश जी बस यही भाव। जब गणेश जी महाराज विनायक का सिर कटा, हाथी का शीश लाकर लगाया, तब उस जगह पर गणेश जी महाराज ने अपनी माता से पूछा कि मेरा जन्म का कारण क्या है, तो एक ही कारण था, वो तेरे पिता बताएं, तेरे पिता बताएंगे तेरे जन्म का कारण क्या है।
जाओ। अब मिलने की ललकता जागी, मिलने के लिए का संवाद कर रहा है। पार्वती मैया के तन से उपतन से श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। अब एक बात का विचार करिएगा, क्या गणेश जी एक ही कल्प में प्रकट हुए? क्या राम जी एक ही कल्प में प्रकट हुए? क्या भगवान कृष्ण एक ही कल्प में प्रकट हुए? क्या भगवान वामन एक ही कल्प में प्रकट हुए? क्या मत्स्य अवतार एक ही कल्प में हुआ है? नहीं, ऐसे ना जाने कितने कल्प निकल गए। उन कल्पों में गणेश जी महाराज का भी प्रागट्य हुआ, उन कल्प में राम जी भी प्रगटे, उन कल्प में भगवान कृष्ण भी प्रगटे, उन कल्प में कई कई बार कितने कल्प निकल गए। ये तो अब हम कह देते हैं, हमने द्वापर की कथा देखी तो कह दिया कि भगवान कृष्ण का ये चरित्र है। त्रेता की कथा का स्मरण किया तो कह दिया राम जी का ये चरित्र। एक जन्म की एक कल्प की कोई कथा नहीं, यहां तो विस्तार पुराने कल्पों का भी प्रकट हुए। और प्रकट होते से ही शिव जी से, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। गणेश जी गए, बाबा को प्रणाम किया, नमन किया, शंकर भगवान ने उनको हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर कहा, गणेश जी ने कहा कि मेरे अवतार का कारण, मेरे प्रकट होने का कारण क्या है? तो कहा बस एक कारण है, सिंदूर का वध। ये किसी एक कल्प की कथा नहीं है, अनेक कल्प की कथा, सिंदूर का वध। भगवान गणेश जी ने कहा ठीक है। समय आया, गजानन के रूप में सिंदूर के, जिस नगर में सिंदूर रहता था उस नगर में श्री गणेश जी महाराज गजानन बनकर गए। गजानन बड़ा सा एक स्वरूप, तोंद बड़ी, स्वरूप बड़ा, शरीर में खूब सारा बल लेकर सिंदूर के पास गए और जाकर आवाज लगाई कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, भोजन दिया जाए। सिंदूर अभिमत्ता में था, अहंकार में, उसे अपने बल का, अपने राज्य का, अपनी सत्ता का, अपने वैभव का बल बहुत था। देखिए, पाप अपने आप हो जाता है, पुण्य अपने आप नहीं होता। पाप और पुण्य में ये बड़ा बहुत बड़े बड़ा अंतर है। पाप और पुण्य के अंदर पाप अपने आप हो जाएगा, झूठ बोल दिया पाप हो गया, गलत कर्म कर दिया पाप हो गया, गलत दृष्टि से देख लिया पाप हो गया, किसी को चट्टा मार दिया पाप हो गया, किसी का धन हड़प लिया पाप हो गया, किसी की कोई वस्तु रख ली पाप हो गया। पाप अपने आप हो जाता है, पर पुण्य अपने आप नहीं होता, पुण्य को करना पड़ता है। पाप को करना नहीं पड़ता, पाप अपने आप हो जाएगा। पाप इतना विचित्र होता है कि अपने आप ही प्रकट हो जाता है। आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देखते 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 किसी का एक मैसेज आ गया, मैसेज में उसने उसकी निंदा लिख दी, तुम्हारे पाप उपजने वाला है, इसलिए उसमें तुमने नीचे कमेंट्स में अपनी तरफ से भी एक बात लिख दी, पाप सामने प्रकट हो गया। मतलब तुम्हारे भीतर वो गलत विचार आ गया, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई। पाप अपने आप हो जाता है, पर पुण्य अपने आप नहीं होता, पुण्य को करना पड़ता। पुण्य को करोगे तो पुण्य होगा। किसी को भोजन कराया, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, तुमने अगर पुण्य कमाया, पुण्य की कमाई आपको खुद करना पड़ेगी, पर पाप अपने आप हो जाता है। पाप को कर, वो कहते हैं ना, अंदर जो भरा होता है वही, जो अंदर भरा है वही उसी की डकार आती है, जो अंदर भरा है। अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना, अब इसको प्रैक्टिकल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप तो करे हुए हो प्रैक्टिकल। आप एक काम करना, कड़ी बनाकर चावल के साथ कड़ी खा जाना, अब तुम्हें दिन भर कड़ी की डकार आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तो जम के जरा। अब इडली सांभर खा लो, बोलो जम के बोलो जरा, इडली सांभर की डकार आएगी। गुलाब जामुन खा गए, जलेबी खा गए, पानी पतासा खा गए, पानी जो अंदर भरा है
डकार उसी की आती है जिसके अंदर ईर्ष्या भरी होती है, वो 24 घंटे बुराई में लगा रहता है, क्योंकि डकार उसी की आती है। डकार जिसके भीतर ईर्ष्या भरी है तो ईर्ष्या की डकार आएगी, नफरत भरी है नफरत की डकार आएगी, निंदा भरी है निंदा की डकार आएगी। तुम्हारे भीतर किसी की उन्नति देखकर, किसी की प्रोग्रेस देखकर, किसी के चार चांद देखकर, किसी की फैक्ट्री देखकर, किसी की दुकान देखकर, अगर तुम्हारे मुख से गलत विचार निकल रहे हैं, गलत बात निकल रही है, तुम किसी के लिए गलत लिख रहे हो, गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर कूट कूट के ईर्ष्या भरी हुई है, इसलिए उसकी डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर बुराई भरी है तो बुराई की डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर निंदा इतनी भर गई कि निंदा की डकार आ रही है। तुम्हारे अंदर इतना गंदगी भर गई कि तुम्हें कोई दुनिया का कोई व्यक्ति अच्छा ही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुराई की डकार आ रही है। वो केवल अंदर जो भरा है उसी की डकार प्रकट होती है। कभी कभी कोई अगर आपको गलत लिखे तो आप उसका जवाब मत देना, बस इतना समझ जाना कि डकार आ रही है, इसके अंदर ईर्ष्या कितनी भर गई जो डकार आ रही है। गलत लिख रहा है, गलत सोच रहा है, गलत विचार कर रहा है, गलत दृष्टि रख रहा है, गलत विचार से सराबोर हो रहा है, उसके अंदर भरा कितना है, उसके अंदर भरा क्या है। और जिसके अंदर भगवान की भक्ति भरी होती है उसके मुख से जब भी निकलेगा जय सीताराम जय श्री कृष्णा ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसके अंदर जो भरा होगा। कहीं भजन हो रहे होंगे ना रात्रि को, कहीं पर भजन होते होंगे आपके मोहल्ले में, रात्रि को भजन हो रहा है, जिसके अंदर जो भरा होता है तो भजन हो रहे होते हैं तो उसका मन लग जाता है, जाऊं मैं सामने ढोलक पीट रही भाई, तो ऐसे कई ऐसी भी रहे कि मैं सो जाए खाया पिया सोए, पर कई ऐसी अगर कम पंडाल में कहीं भजन हो रहा है तो दो चार इकट्ठी होकर पहुंच जाएगी, मोहल्ले के लोग वहां पहुंच जाएंगे, चलो भजन हो रहा है सुनेंगे, और सुनते सुनते फिर डकार निकलना प्रारंभ, उसके मुंह से भी निकल गया काशी वाले से मिलना डमरू वाले से मिलना बड़ा, अब वो भी पहुंच गई, वो भी भजन गाने लगी। इतने में किसी ने कह दिया तुम्हें भजन आता है, नहीं आता तो भी बोल दे तांबा का हंडा में था तो धरो पानी, नींद आए भोला मिला के रहूंगी भोले को अपना बना के। ये भजन के चक्कर में भी कई बार लड़ाई हो जाती है। एक बार हमारी कथा थी मध्य प्रदेश के बुधनी में, अब बुधनी में कथा थी तो वहाँ ग्राउंड में कथा होती थी, सामने खेल का ग्राउंड था और वहाँ कथा होती, तो एक माँ ने आकर कहा गुरुजी मेरा पति मुझे भजन में नहीं आने देता, मैं उससे कह के थक गई फिर भी मुझे कभी भजन में जाने ही नहीं देता। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो कोई भजन हो नहीं रहता, तुम यहाँ के आपके यहाँ की बात नहीं है, कहीं पर भी भजन होता ना तो जाने नहीं देता। हमने कहा तेरे पति को लेके आना, वो अपने पति को लेके आ गई कथा में, कथा पूरी हुई तो मिलने आई। अब मिलने आई तो हमने उससे पूछा क्यों रे भैया तो इसको भजन में क्यों नहीं जाने देता, भजन से क्या प्रॉब्लम है ये बता, कि नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा, आप महाराज हो आपका आदर है सम्मान है पर इसको मैं भजन में नहीं जाने दूंगा। हमने कहा बता तो दे कि क्यों नहीं जाने देगा, बस नहीं जान दूंगा। अरे तो क्यों नहीं जान देगा, अरे गुरुजी जब भी भजन में जाती है शंकर जी का एक ही भजन गाती है, कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी भोले को अपना बना के रहूंगी। तो हमने कहा इस भजन से तो तकलीफ क्या है, बस तकलीफ एक ही है हमारे पड़ोस में भोला रहता है इसलिए तो भजन में नहीं जाते कुछ भी हो। वो भोला चाट वाला ठेला लगाता है, तो मैंने कहा जी तेरे हाथ जोड़ू तू आज के बाद ये भजन मत गाना, कि नहीं गाऊंगी नहीं गाऊंगी, फिर कौन सा गाएगी। बस उसने कहा मैं गा के बता दूंगा, मैंने बता अपने भोले की मैं तो बनी रे जोगनी, इतने में फिर वो भयंकर चिल्ला छोड़ चालू कर। हमने कहा तेरे को भोले ही मिले, जब देखो जब भोला का भजन का शिव जी का गाले शंकर जी का गाले भोला मत बोल, तो कह ठीक है मैं चेंज कर दूंगी। अब इसमें क्या सोचना मारा है, तो बड़ी 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 विडंबना है कई लोगों की। कई बार विचित्रता में आ जाता है। अब भगवान गणेश जी महाराज बड़ा सा रूप रखकर भोजन करने के लिए गए, इसको अभिमान था बहुत बहुत विचित्र, जो डकार अंदर भरी हुई है, जो भोजन भरा हुआ है, जो चीज अंदर भरी है वो डकार में निकलती है। ईर्ष्या भरी होगी ईर्ष्या निकलेगी, नफरत भरी होगी नफरत निकलेगी, आपके शब्दों में आपकी वाणी में आपकी लेखनी में वो सामने प्रकट होगी जो आपके अंदर भरा। आप अगर गलत लिख रहे हो समझ लेना आपकी डकार कैसी है, गलत बोल रहे हो समझ लेना आपकी डकार कैसी है, आपने क्या भरा है आपके अंदर वो आप प्रकट कर रहे हो।
अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो पाप करा नहीं जाता, अपने आप हो जाता है, और पुण्य को करना पड़ता है। पुण्य हमें करना पड़ेगा। झूठ निकल जाता है, सत्य बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सत्य बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा मुझे भूख लगी है, गजानन बन कर आए, भूख लगी है, अहंकार में फूला हुआ था सिंदूर, सिंदूर अहंकार में फूला हुआ था। क्या है भोजन? सिंदूर ने अपनी सभा में बैठकर कह दिया कि इस बच्चे को भोजन कराओ, जाओ बालक को भोजन कराओ। कभी जिंदगी में किसी को छोटा मत समझा। 70 साल के बूढ़े व्यक्ति का मोबाइल अगर बिगड़ जाता है तो 10 साल का बेटा पोता मोबाइल का फंक्शन सही कर देता है, और 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपना मोबाइल सही नहीं कर पाता है। 15 साल का पोता गोदी में बैठकर, दादाजी मेरे को दो, क्या हो गया बेटा, देखते जरा इसमें कॉल अपन उठाओ तो बंद हो जाता है, आवाज ही नहीं आती है। मैंने लगा लगा के देख लिया, तो तेरे पिताजी से भी कहा, पिताजी ने देख लिया, बहू से कहा, बहू ने देख लिया। पोता बोला, दादा लाओ मेरे को दो। दादा के पलंग पर बैठा पोता, पांव लंबा, गोदी में दादा के पांव, और बैठ के तकिया से, और 5 मिनट में करके दे दिया, दादा ये देखो चालू हो गया। देखो दादा ने जो फोन पे बात करी, गजब गजब। छोरे को, अरे मेरा बाबू कितना जोरदार, तूने मेरा मोबाइल अच्छा कर दिया। तेरे पिताजी से नहीं हुआ, तेरी माताजी से नहीं हुआ, तेरे भाई से नहीं हुआ, और तू 10 साल का 15 साल का, और तूने मोबाइल अच्छा कर दिया। कभी कभी ये मत सोचना कि छोटा किसी काम का नहीं रहता, ये अंदाजा लगा कर रखना। घर में बड़े बड़े बर्तन होते हैं, पर वो बर्तन कभी कभी काम आते हैं। घर में जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं सबसे ज्यादा काम वो ही आते हैं, इसलिए जो छोटे हैं उनको साथ लेकर चलो। बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे, और छोटे बर्तन, अरे बोलो जम के बोलो जरा, ये बड़े बड़े जो होते हैं ना, ये हम बोलेंगे तुम्हें बुरा लग जाएगा रे बाबा, इसलिए हम बहुत सारी कथा तो गायब कर देते हैं, फिर भी मन करता है कि बोल दो तो अच्छा है, नहीं तो पेट दुखेगा। ये बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं ना, बड़े बड़े नेता हों, ये तो बहुत कम काम में आते हैं। छोटे छोटे बर्तन कार्यकर्ता जो होते हैं, इन्हीं से नैया पार हो जाती है, इन्हीं से छोटे बर्तन। अब बड़ा बर्तन कितना काम आ रहा है, ऊपर से ऑर्डर लिख दिया कलेक्टर साहब ने, नीचे से ऑर्डर कर दिया एसपी साहब ने, उससे नीचे गया एसडीएम साहब, उसके नीचे गया टीआई साहब, और बाकी का जो ये सारा झमेला झेल रहा है वो ऊपर वाले झेल रहा है। ये बेचारे जितने खड़े थे सब छोटे बर्तन थे, तो कथा का पूरा पानी झेल के ले गए। छोटे बर्तन, बड़े बर्तन नहीं, छोटे बर्तन, छोटे को साथ लेकर चलो। कभी ये मत सोचो कि बड़े काम आएंगे, ना ना छोटे भी काम आएंगे। इसलिए हमारा सनातन धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सबको एक जगह पर लेकर आते हैं। सनातन धर्म में कोई अलग नहीं, सनातन धर्म में कहा जाता है ये चार चौकी के चार पाए हैं, ये हैं तो हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। छोटे से लेकर बड़े तक सबको साथ कर चलना है। घर में जब कोई काम होता है, फंक्शन होता है, बड़े सोफे पर बैठे रहते हैं, काम तो छोटा ही करता है। मामी जी भोजन ला दूं, काकी जी रोटी ला दूं, पोछा लगा दूं, कपड़े उठा दूं, सामान रख दूं, छोटा काम आता है। छोटे बर्तन हर जगह काम आ जाएंगे, बड़े बर्तन किसी काम के नहीं। शादी में दहेज में तुम्हें इतने सारे बर्तन मिले, दहेज में बड़े बड़े बर्तन मिले, तुमने कितने बर्तन दहेज के आज तक निकाल के रखे? बोलो रही जी जी, दहेज के सारे बर्तन निकाले क्या? नहीं,
दहेज के सारे बर्तन बोरे में बंद रखे हैं, पर जैसे ही मेहमान ज्यादा बढ़े, जब बोरे में से छोटा वाला प्लेट लिया तो जा छोटी प्लेट निकाल, चम्मच निकाला, जल्दी जा, छोटी प्लेट, छोटी चम्मच, छोटा सामान, छोटी वस्तु निकाल कर लिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने छोटे बनकर अपनी जिंदगी को जियोगे उतने परमात्मा के करीब बने रहोगे, उतने नजदीक में रहोगे। छोटे बर्तन काम बड़े नहीं। वो एक लाइन बोलते हैं सब लोग, बड़ा हुआ सो जैसे पेड़ खजूर, पंती को फल लगे का फायदा। छोटे बनकर जिंदगी को जीना एक आनंद का विषय, आनंद का विषय। सिंदूर ने कह दिया छोटा है, ये छोटे से बच्चे को जाओ भोजन करा दो। गजानन भोजन करने बैठे, सिंदूर ने कह दिया जिमा छोटा सा। अब इनको क्या मालूम था वो छोटा बड़ा भारी था, एक बार में जितना परोसा गया था वो तो एक ही बार की थाली उठा के निपटा गया, दूसरी बार परोसा वो भी खा गए, तीसरी बार परोसा वो भी खा गए, जितना सिंदूर के यहाँ का भोजन था सारा खा गए। द्वारपाल दौड़ कर जाकर बोले सिंदूर महाराज वो तो पूरा खा गया, कुछ नहीं बचा। सिंदूर के मैं राजा महाराजा क्या कमी, लाओ फोड़ दो, वो और खा गया। आखिरी में सिंदूर को लगा मैं पार्वती जी का हाथ पकड़कर इसलिए ला रहा था कि उनके घर में औलाद ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी का प्रागट्य होगा और तेरे प्राण हरेगा। सिंदूर की बुद्धि में आया ये कहीं गणेश तो नहीं है, गणेश तो नहीं। तब सिंदूर उस बालक के साथ में युद्ध करने के लिए आतुर हुआ, और सिंदूर जब बालक के साथ युद्ध करने को आतुर हुआ तब गणेश जी महाराज ने सिंदूर के प्राणों को हरने के लिए जो प्रहार करा अंकुश का, ऐसा प्रहार, तड़पने लगा सिंदूर, तड़पने लगा, प्राणों को हरा, रक्त की धार निकली। जो रक्त की धार निकली तो सिंदूर मरते मरते हाथ जोड़कर कहता है मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मा के मुख से जमाही द्वारा निकला हूं, मेरा नाम सिंदूर है। यम भी मुझसे दूर रहते हैं, आप कृपा करो, दया करो, मेरे शरीर से निकले हुए इस रक्त को, मेरे शरीर से निकले हुए इस भाग को आप अपने तन पर धारण करो गजानन, और वर दीजिए ये सिंदूर जिस जिस स्थान पर होगा वहां यम के दूत भी निगाह ना कर सके, ऐसा वर दे दीजिए। ये वर दे, ये अखंडता दे, अखंडता। तुमने मेरी माता का हाथ का स्पर्श किया है? सिंदूर कहते हैं मेरी मृत्यु आपके द्वारा लिखी थी, इसलिए मैं पार्वती माता को लेकर जा रहा था, पर आज मैं सिंदूर गजानन आपके चरणों को मस्तक रखकर ये मांगना चाहता हूं कि जिस नारी के मांग में मस्तक पर ये सिंदूर रहेगा उस नारी का सौभाग्य अखंड रहेगा। ये वर दे, अखंडता वर दिया गजानन, आपके तन पर ये मेरा सिंदूर, ये मैं आपके तन पर सदा रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा विष्णु सब एकाग्रित हो गए और एकाग्रित होकर सिंदूर को वर के रूप में दिया कि गजानन ही नहीं जिस भी देवता के संग में सिंदूर तेरा सानिध्य होगा और ये सिंदूर तेरी भी अखंडता रहेगी और यम के दूत उस जगह से दूर रहेंगे। गणेश जी महाराज सिंदूर अपने तन पर धारण कर लिए, वही सिंदूर श्री हनुमंत लाल जी ने भी त्रेता में धारण किया, वही सिंदूर श्री भैरव बाबा ने अपने तन पर धारण करा, क्योंकि विनायक श्री गणेश जी महाराज ने सिंदूर की महत्ता का व्याख्यान वर्णन किया, वर्णन किया। प्रयास किया जाता है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म का एक गौरव है, जब मकान का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, दीपावली का पूजन हो, कोई विशेष फंक्शन हमारे यहां होता है तो दरवाजे पर स्वस्तिक सिंदूर का बनाया जाता है, घृत में घोल कर, गाय के घी में उसको घोल कर स्वस्तिक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां यम के दूत की भी दृष्टि नहीं पड़ती, उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती है,
सिंदूर की इतनी महत्वता, नारी क्यों सिंदूर लगाती है अपनी मांग में, सिंदूर की महत्वता नारी के जीवन में क्यों होती है? उसका कारण केवल इतना सा होता है कि उसके मस्तक पर अगर सिंदूर है तो किसी की दृष्टिता उस पर ना पड़े, किसी की कुदृष्टि उस पर ना पड़े और नारी का अखंड सौभाग्य उसके जीवन में रहे, अखंड सौभाग्य। दो चीजें बड़ा भारी होती है, एक मांग का सिंदूर और एक गले में पड़ा हुआ मंगल। जम के बोलो जमरा, मंगल सूत्र। मंगल सूत्र को अगर आप देखोगे तो मंगल सूत्र में काला दाना फिर पीला दाना, सोने का दाना, ठीक है, काला दाना फिर सोने का दाना। मंगल सूत्र में सोना ही सोने का दाना नहीं होता, मंगल सूत्र में काला दाना और सोने का दाना होता है, आखिरी में एक पेंडिल होता है। मंगल सूत्र हमारी को स्त्री को जब शादी का समय होता है उसका पति उसके गले में जो मंगल सूत्र पहनाता है उस मंगल सूत्र में काला पीला, काला फिर सोने का, काला फिर सोने का दाना फिर पेंडिल होता है। वो मंगल सूत्र शादी के मंडप में पति पत्नी को क्यों पहनाता है? उसका एक कारण होता है, पति पत्नी के गले में मंगल सूत्र देते समय कहता है इस मंगल सूत्र को देख लो, इसमें काला धागा है तो एक पीला दाना है, मतलब अपनी जिंदगी पूरी एक जैसी कभी नहीं रहती, जीवन में काले दिन भी आते हैं तो सोने जैसे चमक वाले दिन भी आएंगे और जीवन को हमें जीना, अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आएंगे। काले अगर मोती पड़े हैं तो सोने का मोती भी पड़ा है, कुछ दिन अगर काले निकलेंगे तो सोने का दिन अर्थात अच्छे दिन भी आएंगे। ये दिन चलते 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 जो आखिरी में पेंडिल है उस पर पहुंचेगा, मतलब एक ना एक दिन जीवन का ऐसा आता है कि हमारे जीवन को हम सुखमय जीने का तरीका सीख जाते हैं। वो मंगल सूत्र, मांग का सिंदूर नारी के तन पर पड़ा हुआ 16 श्रृंगार में से एक एक श्रृंगार नारी के जीवन के एक आनंद को दर्शाता है, आनंद वो एक आनंद तक प्रदान करता है। सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखिया, सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखिया, बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखिया। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। सिंदूर के जाने के बाद में भगवान देवदिदे महादेव ने भगवान विनायक को भगवान गणेश को अपने गले से लगाया, सहजता नहीं है मां, भगवान विनायक को गले से लगाया, हृदय से। समय आया, आगे वर्णन आता है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, रचना करने में ब्रह्मा जी महाराज भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करे और उनके हृदय से दक्ष जो प्रकट हुए उनका विवाह प्रसूति के साथ किया। प्रसूति, जिस प्रसूति ने अपने गर्भ से कई कन्याओं का जन्म दिया, आखिरी में दक्ष प्रजापति ने माता का स्तुति कर एक कन्या और मांगी, मुझे एक कन्या का और जन्म हो जाए। माँ भवानी ने, माँ दुर्गा ने, माँ देवी ने कहा तुम्हारे घर में पहले से 60 कन्याएं जन्म ले चुकी है, एक कन्या और मांग रहे हो क्यों? तो दक्ष प्रजापति ने कहा बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तार देती है, इसलिए बेटी का जीवन एक आनंद का जीवन है, आनंद का जीवन। मेरी जीजियों, तभी अगर आप किसी डॉक्टर से राय लेना तो आपको बताएगा, पुत्र के जन्म देने वाली मां की उम्र 5 वर्ष कम हो जाती है और बेटी को जन्म देने वाली मां की उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। बेटी, किसी डॉक्टर से आप पूछना, किसी साइंस वाले से आप बात करना, कभी नेट पर सर्च करना कि बेटे के जन्म देने वाली मां और बेटी को जन्म देने वाली मां के जीवन का एक चरित्र का स्मरण करना। बेटी को जन्म देने वाली मां साधारण नहीं, बड़े भाग्यशाली हो जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, बड़े भाग्यशाली हो, किस्मत वाले, बहुत प्रबल किस्मत वाले हो आप जिनके घर में बेटी ने जन्म लिया है। महाराज भिलनी, वो भिलनी चली तो गई थी अपने घर से कि मेरे पिता मेरी शादी के लिए इतने सारे पशुओं को लेकर आए हैं और इतने सारे पशु मेरी शादी में मरेंगे,
दोष लगेगा। तो बिल्ली अपना घर छोड़कर चली गई थी, मातंग बाबा के आश्रम में पहुंच गई थी, वहां ज्ञान उपजाऊ उसको, और उसने तप साधना करी, भगवान राम की प्रतीक्षा करी, उस शबरी ने भगवान राम का दर्शन किया। ईमानदारी की बात का स्मरण करिएगा, शबरी माँ को जब राम जी का दर्शन हुआ, सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को थी तो शबरी के माता पिता को थी कि हमारी बेटी ने राम का दर्शन कर लिया। हमारी बेटी ने, जब एक बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, अपने माता पिता के बतलाए हुए मार्ग पर चलती है, अपने माता पिता की एजुकेशन जो दी गई है उसके अनुकूल कार्य करती है, जब एक बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करती है विद्वत्ता में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, खेल और ये अन्य संस्थाओं में जो कर्म कर अपनी बेटियां जब अपना नाम रोशन करती है माता पिता का, तो माता पिता का सीना तन जाता है। और जब वही बेटी कहीं गलत लड़कों के साथ फंस जावे, कहीं गलत संगति में चली जावे, कहीं गलत विचारों में चली जावे, तो माता पिता को भी रोना पड़ता है। माँ भी सोचती है जिस बेटी को जन्म दिया वो कहाँ चली गई। दक्ष प्रजापति ने मांगा माता देवी से, कहा कि मुझे बेटी का जन्म हो जाए, एक बेटी दे दी। बेटी कहाँ से आएगी? तो कहा कि मैं स्वयं बेटी के रूप में जन्म लूंगी। माता प्रसूति के गर्भ से सती माँ प्रकट हो गई, प्रसूति के गर्भ से। हॉस्पिटल में जहां बच्चे को जन्म दिया जाता है उस कमरे का नाम होता है प्रसूति कक्ष। दक्ष प्रजापति की पत्नी के नाम से आज भी वो कक्ष है, प्रसूति कक्ष। क्योंकि जितने बच्चे जन्मे थे माता प्रसूति की यहां, सब विद्वान, सब ज्ञानवान, सब प्रबल थे, सब प्रबल। सती मैया का जन्म हुआ, शिवजी के साथ मंगल विवाह हुआ। विवाह होने के बाद सती माँ भगवान महादेव के साथ में कुंभज आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई, पर उनका मन नहीं लग पाया, चित्त नहीं लग पाया। कथा में मन लगाना थोड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन। ये कहीं पुराना हमारा जो संस्कार होता है, पुराना हमारा जो संस्कार होगा उसके कारण हमारा मन कथा में रम जाता है, और अगर संस्कार हमारे पुराने ठीक नहीं है तो हमारा मन नहीं रमता। आप में से कितने लोग हैं जो गाय को रोटी देते हैं? जम के बोलो, सब है? हाँ ठीक है, सब गाय को रोटी देते हो, गाय के लिए देते हो? कोई तुमसे पूछे कि गाय को रोटी गाय को देते हो, बोलो, जम के बोलो जरा। चलो अच्छा, पहले नंबर का डूम वाला जितना भी पंडाल वाले, उस पंडाल वाले ज्यादा बोलो तो जरा गाय को रोटी काई के देते हो? अरे बोलो ना, काई के लिए देते हो? चलो ठीक है, तुम बोलो रे जी जी, बीच पंडाल वाले, गाय को रोटी क्यों देते हैं? गाय दूध देती है, अंडी दे तो तुम रोटी भी नहीं दो। ए, राम जी रे राम जी, धन्य हो रे तिलदाने हो रहा, तुम्हारी तो नजर उतार लू। चलो जाने दो, तीसरे नंबर के पंडाल वाले बोलो, गाय को रोटी काहे खिल देते है? उसमें 33 कोटी देवता हैं, इसलिए गाय को रोटी देते हैं, ठीक है। तो पति के भी तो देवता हैं। अरे जीजियों, गाय को रोटी क्यों दी जाती है? हमारा शास्त्र कहता है, गरुण पुराण कहती है, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, किसी भी पुराण का स्मरण करिएगा, गाय की जो योनि है ये 33, जो हमारे 84 लाख योनियां होती हैं उसमें अंतिम योनि गौ माता की है, और गाय की योनि छूटने के बाद 84 लाखवीं योनि मनुष्य की है। समझना जरा, गाय के बाद कौन सी योनि आएगी? जम के बोलो जरा, मनुष्य की योनि। हम गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? गाय को हम धन्यवाद देते हैं कि तू इतनी योनियां काटती काटती अब अंतिम पड़ाव पर आ गई, तूने कौन सा पुण्य करा था जो अब तू मनुष्य की योनि लेने जा रही है, तेरा साधुवाद, अंतिम योनि पर पहुंची है तू। अब गाय की योनि से छूटेगी तो मानव की योनि में आएगी, धन्यवाद गौ माता, 84 लाख योनियां काटते 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 अंतिम योनि पर आकर तुम टिक गई हो, और प्रभु कृपा से कौन सा भजन, कौन सा पुण्य, कौन सा अच्छा काम करा तो तुम इस योनि में आ गई। अब इस योनि से छूटोगी, मनुष्य की योनि में जाओगी, मानव की योनि में रहकर भगवान का भजन करोगी, इसके बाद तुम्हारी कोई योनि नहीं होगी, तुम भगवान की हो जाओगी, फिर कोई योनि में नहीं पड़ना पड़ेगा।
तुम्हारे अंदर भजन करते करते 84 लाख योनियों को काटते काटते तुम गौ माता की योनि में आए हो। जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। गौ माता के अंदर भजन करते करते गौ माता 84 लाख योनियों को काटी 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 अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाती है, तब हम गौ माता को सम्मान देते हैं। माँ तेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं होगा, अब तू अपनी इस योनि को छोड़कर मनुष्य की योनि में आएगी, भजन कर कर परमात्मा की हो जाएगी। माँ हम तुझे क्या दें, तेरा भजन का प्रताप इतना है, हम तुझे क्या दें माँ। तो गौ माता हम तुझे दंडवत करते हैं, नमन करते हैं, और तेरे अंदर जो भक्ति है भगवान की उसके लिए हम एक रोटी का दान करते हैं, जो तेरे अंदर 33 कोटि देवताओं को देने के बराबर है। हम उसका आदर कर रहे हैं, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, हम उसका सत्कार कर रहे हैं। इतनी बड़ी योनि में पहुंचने के बाद तू अब अंतिम पड़ाव की ओर जा रही है, अंतिम पड़ाव। हे गौ माता साध होता है तुम, साध साध। कितना सुंदर कहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भगवान शंकर ध्रुमेश्वर महादेव बने हैं गौ माता के पेट में रहकर, मेरे शिव, और माता पार्वती धूमावती माता बनी। कितना विचित्र भाव है, कितना विचित्र भाव। जीवन में अगर आपका मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह अगर हमें मिली है, तुम्हारे घर में अगर रोटी बनी है, प्रयास करना उसमें से एक रोटी निकालकर गौ माता को अवश्य देना, तो हमारा घर भी शुद्ध होता है, हमारा धन भी शुद्ध होता है, और हमारा जीवन भी शुद्ध होता है, सार्थक हो जाता है।